दिल्ली दिल्ली बर्बाद कर देगा केजरीवाल, सब जो नहीं पीता वो भी पी रहा है, जो एक पोवे तो तीन पोवे पी रहा है, एक पे फ्री चल रहा ना, आप समझ रहे, ये आपको सब पता है। कभी अगर प्रदर्शन होगा तो मैं सबसे आगे खड़ा हो जाऊंगा, ये देख लो आप इसके बारे में अरविंद केजरीवाल की नीति। हाँ जी पक्का है, 101%। अब क्या करें कि तो गलत तो है ही रो, अब क्या करें, शराब वाले पीने वाले पीएंगे ही। ये तो बहुत बकवास बेकार चीज़ है, एक के जगह चार पीने पड़ते हैं, ये तो महंगा था तो एक ही अच्छा था ना। ये आम आदमियों पर कोई भरोसा नहीं है, मुझे केजरीवाल पर कोई भरोसा नहीं। सही है, अच्छा हुआ है, इसे ड्रिंक लोग ज़्यादा करते थे, अब कम हो जाएगा लोगों का ड्रिंक। चेंज तो नहीं होना चाहिए, पॉलिसी अच्छी है वैसे। हाँ तो ठीक है, पब्लिक को अगर सस्ती मिलती रहेगी पब्लिक खरीदती रहेगी, पब्लिक और क्या चाहिए। किया है, सही किया है, वो फ्री मिलता है ज़्यादा लेना पड़ता है, नहीं तो कम लेना पड़ता है। हाँ तो पॉलिसी चलने दो और वापस ले लियो। किसने? अरविंद केजरीवाल सरकार। तो ये तो गलत बात है ना। जब ऑफर दिया तो इसको चलने दो। आप जो फिर केजरीवाल को वोट ही नहीं देंगे अब। बढ़िया बात है जी, ये तो बहुत गलत काम हो रहा। भी दोले जा रहे हैं, मेहमान आ गया अचानक घर, अब क्या करूं। हाँ मैं तो पिता ही ना हूँ। ये पॉलिसी वापस लेनी चाहिए, जो पुरानी गवर्नमेंट के जो ठेके थे वो सबसे बढ़िया थे, केजरीवाल की जो नीति है वो गलत है। क्या कहेंगे, बंद हो जाएगा तो सही रहेगा, कम पिएंगे और क्या करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति को वापस ले लिया है और एक तारीख से फिर से उनकी जो पुरानी पॉलिसी है वो लागू होगी। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मयूर विहार में ये शराब का ठेका है, वाइन बियर एंड शॉप है, तमाम लोग जो है वो शराब लेकर लिकर लेकर निकल रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर अंकल जी सुनिए, सर ये बताइए, आप यहाँ से शराब लेकर जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने एक के साथ एक वाली जो पॉलिसी है और इसके अलावा जो दुकानें 2 बजे तक खुल रही थी उस पॉलिसी को वापस ले लिया, क्या कहेंगे? अब क्या करें कि तो गलत तो है ही रो, अब क्या करें, शराब वाले पीने वाले पीएंगे ही। अब एक के साथ एक फ्री नहीं मिलेगी? मिल रही है, खूब मिल रही है, ले लो तुम। एक तारीख के बाद नहीं मिलेगी? ना मिलेगी तो देखिए और लोगों से बात करते हैं। सुनिए अंकल जी, अब अरविंद केजरीवाल ने जो नई पॉलिसी थी उनकी शराब को लेकर वो वापस लेने की बात कही है एक तारीख से, क्या कहेंगे? ये तो बहुत बकवास बेकार चीज़ है, एक के जगह चार पीने पड़ते हैं, ये तो महंगा था तो एक ही अच्छा था ना, एक के जगह लोग चार तो बहुत सारी लेकर जा रहे हैं। तो बहुत सारी अब स्कीम खत्म है ना, तो आगे से तो दो चार दिन का कोटा लेके जा रहा हूँ। कोटा लेकर जा रहे हैं, एक तारीख से बंद हो जाएगा। हाँ फैसला जो लिया गया आम आदमी सरकार की तरफ से उस पर क्या? आम आदमियों पर कोई भरोसा नहीं है मुझे, केजरीवाल पर कोई भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर, देखिए तमाम और भी लोग हैं जो लेकर लेकर जा रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। सर सुनिए, अरविंद केजरीवाल ने पॉलिसी वापस ले ली है अपनी नई जो पॉलिसी है, क्या कहेंगे? एक के साथ मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो ऐसे आदमी हूँ। एक तारीख तक देखिए और भी लोग सामने आएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे नई पॉलिसी को लेकर। सुनिए भाई साहब सुनिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो नई शराब की नीति है उसे वापस ले लिया गया है एक तारीख से, अब एक के साथ एक फ्री नहीं मिलेगी, ठेके जो है वो दो बजे तक भी नहीं खुलेंगे, किस तरीके से देखते हैं? सही है, अच्छा हुआ है, इसे ड्रिंक लोग ज़्यादा करते थे, अब कम हो जाएगा लोगों का ड्रिंक। लाइफ इज गोल्ड, लाइफ इज लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग होना चाहिए और गोल्ड होना चाहिए, इसे थोड़ा सा। एक तारीख के बाद एक के साथ एक फ्री मिलना बंद हो जाएगी, जो आपने दो दो पैकेट ले रखे ये ले लिए हैं, अब है ऑफर तो आदमी लालच तो है इंसान के अंदर में, जो चीज़ कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इंसान की ज़िंदगी सबसे बड़ी अहमियत रखती है, इंसान को जीने के लिए मतलब स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छ। दिल्ली की सरकार के इस फैसले के, दिल्ली की सरकार की इस फैसले के लिए अभी जो बंद हुआ है वो अच्छा फैसला लिए हैं। अच्छा, जनता ने विरोध किया है तब जाके फैसला लिया गया है? जनता ने विरोध अच्छा किए हैं और गवर्नमेंट जो अब फैसला लिए है बहुत बढ़िया फैसला है, बेटर फैसला है। इन्होंने कहा है कि बेटर फैसला है, और भी लोगों से बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लिकर की शॉप है आप देख रहे होंगे कि नो एंट्री विदाउट मास्क भी लिखा हुआ है, पर वहीं साथ में 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शराब नहीं मिलेगी, इस तरीके की बोर्ड भी यहाँ लगा रखे हैं। अंकल जी अरविंद केजरीवाल की जो नई शराबकारी नीति थी उसे वापस ले लिया गया है एक तारीख से, अब एक के साथ एक फ्री नहीं मिलेगी और वहीं काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं पॉलिसी में, किस तरीके से? चेंज तो नहीं होना चाहिए, पॉलिसी अच्छी है वैसे। एक तारीख के बाद नहीं मिलेगी एक के साथ एक फ्री, किस तरीके से? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और लोगों से पूछते हैं, आप सुनिए भाई साहब चलिए, आप इधर और भी लोग हैं जो अंदर से लेकर लेकर आ रहे हैं, उनसे एक एक करके हम बात करेंगे। तमाम जो लोगों की भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सुनिए भाई साहब, नई पॉलिसी जो है अरविंद केजरीवाल की शराब को लेकर वो वापस ले लिए, किस तरीके से देखिए? सही है, हमारे लिए फायदा है। हाँ। किस तरीके से देख रहे हैं? उन्होंने कहा है कि अब एक तारीख के बाद जो पुरानी पॉलिसी थी वो लागू होगी, अब एक के साथ एक फ्री नहीं मिलेगी, दुकानें भी 2 बजे तक नहीं खुलेंगी शराब की, सरकारी दुकानों को भी खोलने की बात। हाँ तो ठीक है, पब्लिक को अगर सस्ती मिलती रहेगी पब्लिक खरीदती रहेगी, पब्लिक और क्या चाहिए।
और क्या कहा है कि चलिए सुनिए भाई साहब, देखिए तमाम जो लोग हैं, अंकल जी सुनिए, अब अरविंद केजरीवाल की जो नीति है शराब को लेकर उन्होंने वापस ले लिया, क्या कहे? सही किया है, सही किया है, के साथ एक फ्री नहीं मिलेगी एक तारीख, किया है सही किया है, वो फ्री मिलता ज्यादा लेना पड़ता है, नहीं तो कम लेना पड़ता है। लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने, कह रहे पॉलिसी वापस लो तब जाके, नहीं नहीं सही किया, जो भी किया सही किया, ऐसे अब दो सौ या चार बना पड़ता है, एक ही में काम चलाते हैं आदमी, एक ही में काम चलाएंगे, हाँ और क्या, तो आप चार लेके जा रहे हैं, हाँ दो बंदे हैं ना हमने, दो दो, हाँ आप बताइए पॉलिसी वापस नहीं आया, नहीं फिर भी देश की जनता है, हाँ तो पॉलिसी चलने दो, और वापस ले लिए किसने? अरविंद केजरीवाल सरकार, तो ये तो गलत बात है ना, जब ऑफर दिया तो इसको चलने दो, जनता ने विरोध किया है और पॉलिसी के लिए जांच के निर्देश दिए गए थे सीबीआई के, तब जाके वापस, तो ये तो पहले से सोचना चाहिए था, जनता को पहले से करना चाहिए था, तो पहले से मान के चलो जो जनता पहले से इसका लुप्त उठा रही है दारू का, तो ये पहले से सोचना चाहिए था जनता को, पहले से क्यों नहीं सोचा? गवर्नर को लग रहा था कि इस पॉलिसी में जो शराब माफिया है उनको लाइसेंस दिया गया है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने पॉलिसी को वापस, तो फ्री किस बेस पर बट रही थी, क्यों इसका रीजन? अब तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए, सरकार से पूछिए, आप सरकार की जनता है, मैं तो हम आपका सवाल ये ना सरकार था कि आपने जो ये कर रखा था तो ये किस बेस पे कर रखा था, कहाँ से आपको ये, जब मान चलो जी दारू इतनी महंगी है, मान के चलो 500 रुपए की बोतल है और तुमने 250 रुपए की कर दी, तो वो 250 रुपए कहाँ से आ रहा था सरकार के पास? तो टैक्स कम करने से मतलब कि पब्लिक को दारू पिला पिला के मारोगे, सरकार को कहने का मतलब कि टैक्स कम कर दिया तो टैक्स से सर दारू फ्री बट रहेगी, तो आप मुझे बताइए अब जो फैसला लिया गया उसका स्वागत करते हैं, उससे खुश हैं आप दिल्ली के नागरिक? तो पहले भी खुश थे अब भी खुश हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अच्छा। इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है कि अब एक तारीख के बाद एक के साथ एक फ्री नहीं? नहीं 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 हमें कोई दिक्कत नहीं है, लोगों से बात कर रहे और भी लोगों से बात करेंगे, तमाम देखिए हाँ तमाम लोग हैं अंदर जा रहे हैं, आप बताइए भाई साहब क्या कहें, देखिए भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है अंदर और तमाम लोग जा रहे हैं, पर जैसे ही लोग लेकर लेके बाहर आएंगे हम एक एक करके उनसे बात करने की, सुनिए भाई साहब सुनिए, अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी है उन वापस लेने एक साथ एक फ्री नहीं मिलेगी, अभी तो फ्री है तभी शायद भीड़ लगी हुई है, अच्छा ये बताइए अभी तो एक तारीख से पॉलिसी में बदलाव आ जाएंगे, पॉलिसी वापस मालूम ही नहीं हमें पॉलिसी का, नई पॉलिसी थी ना एक के साथ एक फ्री, दुकान ठेके भी ज्यादा खुल रहे थे, अच्छा तब क्या करना चाहिए बताइए आप, जो फिर केजरीवाल को वोट ही नहीं देंगे, अब वोट नहीं देंगे फिर। अब वो कहेंगे कि भैया एक पे एक फ्री बंद हो गया तो क्या फायदा है, है ना, ये तो सच्चाई, साथ एक फ्री थी तो कितना फायदा था, फायदा पीने वालों को तो है ही मैडम, जो पी रहा है वो जानता है, कह रही थी कि घर में कलेश हो रहा है ज्यादा शराब पी, वो तो बात है कलेश तो है ही महिलाओं के साथ घर में तो कलेश होगा ही, पियेंगे ज्यादा तो, अब कम पियेंगे तो नहीं होगा, ज्यादा पियेंगे तो होगा होगा मैडम, ये तो सच्चाई, ये शराब माफियाओं को बढ़ाया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही है, ये तो नहीं मालूम है मैम माफिया वगैरह के बारे में, लेकिन केजरीवाल इलीगल शराब बेचते है जी, इलीगल शराब बेचने वाले बढ़ रहे थे, अनलीगली तो ये अभी अनलीगली ठेका तो है नहीं, बाकी अनलीगली हमें नहीं, सर जी ये बताइए अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी, दारू मिल रही पी लो, देखिए और भी तमाम लोग हैं जो यहाँ से शराब लेकर निकल रहे हैं एक एक करके बाहर आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, तमाम और लोगों की भी राय लेंगे, देख पा रहे होंगे कि आप देखिए किस तरीके से अंदर भीड़ लगी हुई है, और वहीं लगा लोगों की तरफ से ये सवाल भी सामने आया था, लोगों ने कहा था कि अभी भी अगर सोशल मीडिया की बात करें, लोगों के कमेंट्स की बात करें, तो वहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये पॉलिसी पीछे लेने का मकसद यही है कि एक तरफ उपराज्यपाल ने सीबीआई की जाँच, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की एक संस्था यानी कि उनकी तरफ से भी कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की जो शराब की नीति है आबकारी नीति है इसमें घोटाला हुआ है, शराब माफियाओं को छूट दी गई है, टैक्स माफ किया गया है, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस की तरफ से नोटिस भी दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल नोटिस दें, इस पूरे जांच का ब्यौरा दें कि आखिरकार किस किस को बांटी गई है ये तमाम लाइसेंस, और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना से, देख पा रहे होंगे आप देखिए तमाम जो भीड़ है वो अंदर से निकल रही है, भीड़ भी अंदर चकाचक लगी हुई है शराब लेने वाले
वालों के, क्योंकि अभी एक के साथ एक फ्री मिल रही है और एक तारीख के बाद इन तमाम चीज़ों में अब चेंजेस आने वाले हैं क्योंकि पॉलिसी को वापस ले, अंकल जी ये बताइए पॉलिसी वापस ले ली है अरविंद केजरीवाल ने शराब की जो नीति लेकर आए थे वो? मैं समझा नहीं पहले। बढ़िया बात है जी, ये तो बहुत गलत काम हो रहा। फिर दो ले जा रहे हैं। मेहमान आ गया अचानक घर, अब क्या करूं? हाँ मैं तो पीता ही ना हूँ। अच्छा। मेहमान आ गए सिंदारा लेके, अब उनके लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा, अब जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से उस पर क्या कहें? अरे बढ़िया, ये बंद होना चाहिए, ये सिस्टम खराब है। देखो लोगों की, हाँ गलत बात है ये। अब लोग ज़्यादा पीने लगे, पहले कोई एक पौवा पिया करा था, अब दो पी रहा है ना। लोगों की आदत खराब होगी, काम करना बंद कर दिया लोगों ने, दारू पी के पड़े रहे हुए। ठीक है मैं तो नुकूँ, और महंगी होनी चाहिए, जैसे पेट्रोल महंगा हो रहा साली, दारू भी महंगी होनी चाहिए। ठीक है जी भाई, इतना ही कहो। जा लोग तो कह रहे हैं कि डर के अरविंद केजरीवाल ने वापस लिया ये पॉलिसी क्योंकि उनके भ्रष्टाचार खुल। ऐसा है लोग है, कोई कुछ बोल रहा है कोई, वो क्यों डरेंगे भाई, वो राजा हैं दिल्ली के, वो क्यों डरेंगे किसी। राज्यपाल ने जाँच के निर्देश दिए थे ना CBI के? नहीं ये तो देखो निर्देश तो चलते रहते हैं, एक सोचने वाली बात भी है, कोई चीज़ 500 रुपये की वो साड़ी 250 रुपये में मिल रही तो सोचने वाली बात है। दुकानें भी तो ज़्यादा बढ़ा दी थी। हाँ दुकान तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसको चीन चीज़ों तो हो गई दुकानें। जनता के कहने भाई जो कर रहे सरकार है, दुकानें कम करने की बात, चलो दुकान अगर कम होती तो क्या किस तरीके से भाई? मैं तो बढ़ दुकानें तो कम ही ठीक हैं। हाँ हाँ कहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के, आप भी अंकल जा रहे हैं अंदर होटल लेने जा रहे हैं। बताइए अरविंद केजरीवाल की नीति है, उन्होंने अब जो नई शराब की नीति थी वो वापस ले ली है, एक तारीख से बदल एक तरह नहीं, अब तक तो चल रहा था, बिकॉज वो तो चल रहा था, एक पे एक फ्री मिल रहा। अंदर से आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो भीड़ है वो लेकर शराब आगे आ रहे हैं। अंकल जी आप बताइए पॉलिसी वापस ले? बेटा ये पॉलिसी वापस लेनी चाहिए, जो पुरानी गवर्नमेंट के जो ठेके थे वो सबसे बढ़िया थे। केजरीवाल की जो नीति है वो गलत है, क्योंकि ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी कैसे आई थी? केजरीवाल की जैसे नीति से आई थी। ठीक है ये गलत है, गलत है, बात गलत है। हाँ अरविंद केजरीवाल की नीति ले ली गई है वापस, उन्होंने कहा है कि अब सरकारी ठेके खोले जाएंगे वापस, वो ठीक है। हाँ। सरकारी ठेके खोले जाएंगे वो सबसे बढ़िया है। ठीक है, और हम एक के साथ एक फ्री जो कर रहे थे उस पर क्या कहेंगे? नहीं एक के साथ एक फ्री वो बात वो गलत है। हमारे जो चल रहे हम पहले पीते थे, अभी भाई साहब सुनिए बॉटल लेके जा रहे हैं, पॉलिसी बंद कर दी है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो जा रहे हैं, सुनिए देखिए तमाम और जो भीड़ है वो अंदर बढ़ती हुई जा रही है। केजरीवाल का सिस्टम सबसे गलत है और पब्लिक को समझ नहीं आ रहा। अभी तो केजरीवाल की सरकार पंजाब में भी आ गई, गलत है, एक दिन फिर देश गुलाम होगा, क्योंकि केजरीवाल खुद इस कौम का नहीं है। दिल्ली दिल्ली पर बात कर देगा केजरीवाल, सब जो नहीं पीता वो भी पी रहा है, जो एक पोवे तो तीन पोवे पी रहा है, एक पे फ्री चल रहा ना, आप समझ रहे, ये आपको सब पता है, ये गलत है। हम तो कह रहे हैं ये बंद करो, हम ना पिए, महंगे पी लें, महंगी पी लें, एक क्वार्टर पी लेंगे कोई दिक्कत नहीं, अभी एक पे एक फ्री आ रहा है वो गलत है। शराब माफियाओं का टैक्स कम कर दिया गया, दुकानें बढ़ा दी गई दिल्ली में, किस तरीके से वो गलत है, एक केजरीवाल गलत है, वो गलत कर रहा है। इतने इतने एक चीज, इतने वाइन शॉप खुल गई, क्यों खुली? जो पुराने वाइन शॉप तो बंद कर दी, नए वाइन शॉप खोल दी, एक पे फ्री मिल रहा, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो गया, ये गलत कर रहे हो, क्योंकि पब्लिक बर्बाद हो रही है। आप जो नई पॉलिसी वापस ले ली अरविंद केजरीवाल ने, पहले दुकानों को बढ़ाया जा रहा था, जो शराब माफिया उनके पैसे, मैं तो दारू पीता नहीं हूँ तो मैं इसके बारे में क्या बोलूँगा। हाँ। मैंने आज तक इसको हाथ भी नहीं लगाया। हाँ। इसलिए मुझे नहीं पता इसके बारे में। तमाम भीड़ लगी हुई है अंदर, लोग एक के साथ मैं देखने के लिए आ जाता हूँ किस चीज़ की भीड़ है। देखो मेरे साथ ये भी आ रखे डोगी तो ये भी काटने को तैयार है, मुझे नहीं पता मैम सॉरी। आप ये बताइए लोगों ने, आप जैसे लोग हैं उन्होंने सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया था इस नीति के खिलाफ कि दुकानें क्यों बढ़ाई हैं अरविंद केजरीवाल ने, दुकानें दो दो कभी अगर प्रदर्शन होगा तो मैं सबसे आगे खड़ा हो जाऊंगा, ये देख लो आप इसके बारे में अरविंद केजरीवाल की नीति। हाँ जी पक्का है 101%। हम शराब के खिलाफ हैं, हम दारू के खिलाफ हैं, केजरीवाल ने क्या गलत किया, ये जो ठेके खोले एक पे एक फ्री दे रहा है उसके हम खिलाफ हैं। भाई साहब कल से मिला 1 अगस्त से एक के साथ एक मिलना फ्री बंद हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी नीति? क्या कहेंगे, बंद हो जाएगा तो सही रहेगा, कम पिएंगे, कम पिएंगे और क्या करेंगे, कम पिएंगे। हाँ
देखिए तमाम और जो लोग हैं वो अंदर से निकल कर आ रहे हैं, सब एक के साथ एक बॉटल फ्री लेकर आ रहे हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 1 तारीख से पॉलिसी में बदलाव होने वाला है और फिर शराब एक के साथ एक बॉटल फ्री नहीं मिलेगी। जिस तरीके से उपराज्यपाल से मीटिंग करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से इन चीज़ों का ऐलान किया गया है।